लक्षांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर मैं भूमेंद्र कुमार देवांगन आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए कि प्री बीएड और प्री डीएलएड, जैसे कि मैंने आप सभी को बता ही दिया था कल के इस वीडियो में। और आप जो मैं बताने वाला हूं प्री बीएड और डीएलएड के एडमिट कार्ड आप मोबाइल से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका से, बिल्कुल आसान स्टेप्स है। 2 मिनट का समय लगता है, ज़्यादा देर का समय नहीं लगता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहले आप किसी भी ब्राउज़र के माध्यम से पहुँच जाइए वेबसाइट तक। तो वेबसाइट क्या है आप सभी को पता होना चाहिए, पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो ये देखिए vyapam.cgstate.gov.in और है ना, यहाँ तक लिखेंगे तो आपको आ जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो है नीचे चले जाइएगा, इस यहाँ पर लिखा हुआ है आपका एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड को सबसे पहले टच कर लीजिए। तो टच करेंगे तो टच करने के बाद एक नया पेज ओपन होता है, जहाँ पर आपको जब आपने फॉर्म भरा होगा तो फॉर्म का हार्ड कॉपी लिया होगा, उस हार्ड कॉपी में आपका लिखा होगा रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको डेट ऑफ बर्थ DOB तो पता ही होगा। बस क्या और क्या, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सबसे पहला एग्ज़ाम है एंट्रेंस एग्ज़ाम में बीएड और डीएलएड का, जिसका एडमिट कार्ड आया है इसीलिए फर्स्ट नंबर में दिखा रहा है। इसके अलावा धीरे धीरे जैसे जैसे आपका आते जाएगा मैं आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका बताते जाऊँगा। इसको टच किया तो देखिए एक नया पेज ओपन हो गया सीजी वेपम का। इसमें आपको ज़रूरत क्या क्या पड़ेगी, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आईडी कहाँ से मिलेगा, जब आपने फॉर्म भरा होगा तो फॉर्म भरने के बाद जो प्रिंट आउट निकला होगा उसमें सबसे पहले ऊपर में लिखा होगा यही रजिस्ट्रेशन आईडी, वो चालू हुआ होगा। अगर आप दोनों का भरे होंगे तो BDED 21-0 ऐसा करके स्टार्ट हुआ है, यही वाला है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, ध्यान रखिए इसमें दिक्कत ये कर देते हैं लोग कि देखिए जैसे मैं ये उदाहरण के रूप में बताया है, जैसे कि मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2021 मान के चलो, तो कैसे लिखेंगे इसको, तो ये लिखेंगे 01-01 और 2021 ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तो किसी का ऐसा है तो फिर आपको लिखना है। इसके बाद प्लीज़ इंटर द कोड, तो यहाँ पर जो कोड दिखाई देगा उसको यहाँ पर लिखना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता क्या लिखा हुआ है तो यहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा दिख रहा है, इसी को आप टच करेंगे तो ये फिर से चेंज हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ आपको फिर क्या आता है, फिर प्रिंट आउट वहाँ से हम लोग कैसे निकालेंगे ये भी हम। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सब चीज़ें फिल कर दी हैं और मैं लॉगिन बटन पर क्लिक करता हूँ। लॉगिन करते हुए जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपका यहाँ पर आपका स्टेटस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ प्री बीएड एंड प्री डीएलएड 2021 आ जाता है। इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पर लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह बोलता है कि सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद कृपया इसका प्रिंट आउट अपने पास अनिवार्य रूप से रखें। देखिए आपका जो फॉर्म है, ठीक है, इसके अलावा आपका जो एडमिट कार्ड है, ध्यान रखें मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ बीच में मैं रोक के, तो फॉर्म जो आपने भरा है और एडमिट कार्ड जो अभी निकाल रहे हैं, ये दोनों की प्रिंट आउट या PDF को अच्छे से सेव करके रखिए। जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है, काम आएगी। इसके अलावा जब रिज़ल्ट आएगा तो रिज़ल्ट आने पे ना आपका एक मार्किंग वाला पूरा आता है, रैंकिंग, ठीक है, उसको भी, ये तीनों चीज़ें की जो है 2 से 4, 5, 10 फोटोकॉपी जितना रख सकते हैं आप वो रखिए, क्योंकि कम से कम 5 तो रखिए रखिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके काम आएगा एडमिशन के टाइम। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको दिखा रहा हूँ मैं एग्ज़ाम अप्लाइड फॉर प्री बीएड, जब दोनों का करते तो यहाँ पर और शो कर देता, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी लिखा हुआ है और ये एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो डाउनलोड करने का ऑप्शन दिख रहा है, उस डाउनलोड करने के ऑप्शन को टच कीजिएगा। तो जैसे ही टच करेंगे तो यहाँ पर जो है डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे हम लोग डाउनलोड को क्लिक करेंगे उसके बाद आपका यहाँ पर डेट ऑफ एग्ज़ाम क्या है और आपका एग्जामिनेशन सेंटर क्या है, ठीक है, ये। तो इस तरह से आप अपना एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल।